हेलो एंड वेलकम टू 70th एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बैक पेन सिम्टम्स विद मूवमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबने ये सारी जो प्रॉब्लम्स मैंने लिखी हैं ये सारी अपनी अपनी MRI में देखी होगी, जिसने भी MRI करवाया। अब ये MRI में ये जो है ये सारे कॉज होते हैं आपकी प्रॉब्लम के। अगर आपको बैक पेन हो रहा है या लेग पेन हो रहा है तो यही कॉज होते हैं जो आपके MRI में मेंशन किए जाते हैं। अब कईयों को ये पता नहीं लगता ये एक्यूट है कि क्रॉनिक है। अब मैं आपको सिर्फ मूवमेंट से कैसे पता कर सकते हैं कि हमें इनमें से क्या है, ये इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है आपको एक मूवमेंट करके पता लग जाएगा कि मुझे उस टाइम पे क्या हो रहा है और मूवमेंट में कौन सी प्रॉब्लम है, किस मूवमेंट में पेन होता है और किस मूवमेंट में रिलीफ होता है और हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ये सारा मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो हमारे पास दो तरह की स्पाइन मूवमेंट्स होती हैं, वैसे तो बहुत होती हैं पर दो तरह की मेनली है। एक तो फॉरवर्ड बेंडिंग जिसको हम फ्लेक्शन बोलते हैं, FF से याद रखना, फॉरवर्ड बेंडिंग यानी कि फ्लेक्शन, और बैकवर्ड बेंडिंग यानी कि एक्सटेंशन जिसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। अब ये सारे आपके जो छः के छः चीज़ें हैं मोस्टली यही चीज़ें हैं 90% MRI में ये चीज़ें मेंशन होती हैं। अब मैं आपको बता दूंगा कि इस प्रॉब्लम में हमें फ्लेक्शन पेनफुल होता है कि एक्सटेंशन पेनफुल होता है, जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि जो MRI में लिखा है क्या मेरा मूवमेंट या मेरा सिम्टम भी उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, अब इसमें देखिए ये है लंबर कैनाल स्टेनोसिस। अब स्टेनोसिस चाहे लंबर कैनाल हो चाहे फोरामिनल कैनाल हो, या हमने अपने अपने MRI में देखा हो, मैंने स्टेनोसिस पे एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके आप ज़रूर देख सकते हैं। अब इसको मूवमेंट में कैसे पहचानें कि हमें क्या होगा, तो स्टेनोसिस जब भी होता है तो फ्लेक्शन हमेशा पेन फ्री होता है, तो यहाँ पे पेन नहीं होता। एक्सटेंशन पेनफुल होता है, ये पी का मतलब है पेनफुल, फ्लेक्शन पेनफुल नहीं होता, यानी कि जब स्टेनोसिस किसी को होगा उसका मतलब उसका कैनाल नैरो हो रहा है, तो जब वो बैकवर्ड बेंडिंग यानी कि पीछे को जाएगा या खड़ा रहेगा जिसको हम एक्सटेंशन, जब हम खड़े होते हैं ना तो भी हमारी जो बॉडी है वो एक्सटेंशन में रहती है, स्पाइन एक्सटेंशन में रहती है लोडोट्रिक कर्व की वजह से। उसमें कैनाल टाइट नैरो होने की वजह से ना पेशेंट ज़्यादा देर खड़ा हो सकता है ना ज़्यादा चल सकता है, तो एक्सटेंशन में उसको हमेशा पेन होगा। और फॉरवर्ड फ्लेक्शन यानी कि जब उसको बिठाया जाएगा या कह दिया जाएगा वो क्या करेगा, चलते चलते जब बैठ जाएगा तो उसका जो पेन है वो रिलीफ हो जाता है, तो इसलिए उसको आगे झुकने में फॉरवर्ड फ्लेक्शन में उसको पेन फ्री होता है लंबर कैनाल स्टेनोसिस में। और एक्सटेंशन जब होती है यानी कि पीछे जब जाता है तो उसको पेनफुल होता है। तो देखिए कितना सिंपल सा काम है, हम मूवमेंट से पहचानेंगे कि हमारा जो सिम्टम है और हमारी जो प्रॉब्लम है वो कैसे डील करती है। तो ये तो लंबर कैनाल स्टेनोसिस। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, ये क्रॉनिक की बात कर रहा हूँ मैं। अगर एक्यूट होता है यानी कि अभी डिस्क निकला और इतना ज़्यादा निकला कि कैनाल भी नैरो हो रहा है, फिर सिम्टम्स जो है वो चेंज होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इससे एक आइडिया होगा, 80-90% ये करेक्ट आइडिया होगा आपका हमेशा। सेकेंड आता है फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी हाइपरट्रॉफी, या तो फेसेट जॉइंट हाइपरट्रॉफी लिखा होता है आपकी MRI में या आर्थ्रोपैथी लिखा होता है, L4, L5, L5S1 इसी पे होती है, या कईयों को लंबर जो इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो L1 से लेके S1 तक होती है। तो इसलिए हमने क्या करना है, इस फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी में क्या होगा, इसमें भी एक्सटेंशन पेनफुल आएगा और फ्लेक्शन जो है वो पेन फ्री आएगा। यानी कि जब भी पेशेंट को फेसेट आर्थ्रोपैथी उसमें MRI में लिखा होता है या इंस्टेबिलिटी होती है, जब वो पीछे को जाएगा क्योंकि फेसेट जॉइंट पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं और वो जुड़े हुए हैं यहाँ पे, उसमें हाइपरट्रॉफी है, और अगर हम उसमें और लोड डालेंगे पीछे जाके तो वो तो और फ्रिक्शन करेगा, इससे और इन्फ्लामेशन होगा जिससे पेन बढ़ेगा। तो फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी में भी पेन जो है वो एक्सटेंशन में होता है और फ्लेक्शन में उसको रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट आता है लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी। अब लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी क्या होता है, बिल्कुल जो लिगामेंट है ये पीछे पड़ा है यानी कि ये कैनाल का हिस्सा है। ये सारी चीज़ें जो है ना, फेसेट आर्थ्रोपैथी, लिगामेंटम हाइपरट्रॉफी, इसमें भी एक्सटेंशन पेनफुल आएगा और फ्लेक्शन में पेन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारा स्टेनोसिस होता है ना तो फेसेट आर्थ्रोपैथी, लिगामेंटम हाइपरट्रॉफी और एक दो और चीज़ें हैं जो क्रॉनिक डिस्क बल्ज, ये सारा कुछ आके कैनाल को टाइट कर देता है। तो इसलिए जब हम फ्लेक्शन करते हैं तो उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो जब लिगामेंटम फ्लेवम को हम खींचेंगे स्ट्रेच करेंगे तो वो रिलीफ देगा, और अगर हम उसको और टाइट करेंगे यानी कि पीछे को, जब हम पीछे जाएंगे तो वो क्या करेगा, फोल्ड होके और कैनाल के अंदर चला जाएगा, जिससे कैनाल स्टेनोसिस और बढ़ जाएगा, पेशेंट का लेग पेन या बैक पेन बढ़ सकता है। तो इसलिए इसमें भी जो एक्सटेंशन है वो पेनफुल होता है, फ्लेक्शन जो है वो पेन फ्री होता है। अब आता है एक्यूट डिस्क बल्ज, इसमें उल्टा हो जाएगा। एक्यूट डिस्क बल्ज में पेशेंट को फ्लेक्शन करने आगे झुकते ही एक शूटिंग पेन आएगा, क्योंकि मोस्टली उसका जो प्रॉब्लम है डिस्क निकलता भी इसी तरह से ही है। तो इसमें फ्लेक्शन पेनफुल आएगा और एक्सटेंशन पेन फ्री आएगा,
यानी कि जब एक्यूट डिस्क बल्ज होता है तो हम याद है उसको करते हैं उल्टा लेट जाइए, बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज करवाते हैं, मैकेंजी पोज करवाते हैं, इसीलिए करवाते हैं ताकि जो डिस्क है वो वापस न्यूक्लियस है वो उसको सक कर ले। तो इसमें एक्यूट डिस्क बल्ज में फ्लेक्शन क्या आएगा, पेनफुल, जब झुकेगा पेन होगा और जब पीछे जाएगा तो उसको पेन रिलीफ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। ये एक मसल है, वी शेप मसल है, जिसके बीच में से शेटिंग नर्व पास करती है। अब जब ये मसल टाइट होता है तो शेटिंग नर्व को प्रेस कर देता है। इसमें भी फ्लेक्शन कई बार पेनफुल आता है और एक्सटेंशन में पेन नहीं आता। अब मोस्टली क्या होता है, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम कभी भी अकेला नहीं होता, ये या तो साथ में ऐसे ज्वाइंट के साथ होता है प्रॉब्लम, या इन सब की कोई ना कोई प्रॉब्लम साथ में चल रही होती उसकी वजह से होता है। अगर ये अकेला होता है तो पेशेंट को क्या होता है, लंबा कदम लेने में प्रॉब्लम आती है, यानी कि उसकी जो SL आ रहा है वो कई बार हम जब करते हैं 30-40 डिग्री के बाद शूटिंग पेन आता है, तो इसलिए उसका जो फ्लेक्शन है वो उसका कम होता है, वो सीधा नहीं बैठ पाता। ये तो इसलिए मैंने इसको फ्लेक्शन में पेनफुल लिखा है और एक्सटेंशन में पेन फ्री लिखा है। तो ये पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम मोस्टली तो किसी प्रॉब्लम के साथ होता है, जब अकेला होता है तो इस तरह से पेन करेगा, यानी कि लंबा कदम लेने में प्रॉब्लम होती है, मुश्किल होती है लोगों को। और जब इंटरनल रोटेशन होती है तो इसका ये स्ट्रेचिंग इंटरनल रोटेशन से ही होती है। ये अगर टाइट हुआ तो आपका पैर एक्सटर्नली रोटेट रहेगा, तो ये अलग चीज़ होती है। तो नेक्स्ट आता है डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज, या डिस्क डीजेनरेशन, या इसको डिहाइड्रेशन, तो बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं। जब डीजेनरेटिव डिस्क होती है या डिस्क डिहाइड्रेशन होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें भी हमारा जो एक्सटेंशन है वो पेनफुल होता है और फ्लेक्शन में कई बार पेन नहीं होता है, क्योंकि डीजेनरेट हो गया है तो मतलब जो हमारा डिस्क था उसका जो कुशन था वो कम होना शुरू हो गया, या कोई इंस्टेबिलिटी की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से। जब वो कम हो गया तो फेसेट जॉइंट जुड़ने शुरू हो गए, वर्टिब्रा के में जो लेवल था, जो गैप था, वो कम हो गया तो स्पेस कम होने शुरू हो गई। इसको हम स्पॉन्डिलोसिस भी बोल सकते हैं, अगर एज रिलेटेड हुआ तो, एज रिलेटेड होने का हम स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। तो अब डिस्क डीजनरेशन की वजह से, स्पेस कम होने की वजह से, फिर से उसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, तो इसलिए उसमें भी एक्सटेंशन में ही पेनफुल होता है। जब वो बैठ जाता है या झुक जाता है तो हम फ्लेक्शन में उसको पेन फ्री होता है। तो जब आपको सिम्टम से पता लग जाएगा कि मुझे कौन सी मूवमेंट करने में क्या क्या पेन आ रहा है, तो अपनी MRI से आप मैच कर सकते हैं कि अगर ये है तो मुझे ये मूवमेंट में पेन आ रहा है। अब कईयों को ये चीज़ें इकट्ठी होती हैं, तो कम से कम ये तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे जिसमें पेन आ रहा है तो मैं उससे ऑपोजिट एक्सरसाइज कर सकता हूँ। तो जब हम इसको ऑपोजिट, ये मान लो एक्सटेंशन पेनफुल है तो बार बार एक्सटेंशन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो फ्लेक्शन एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं। पर हमें ये देखना पड़ता है कि सिम्टम्स किस तरह से चल रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ये तो एक जनरल आइडिया था कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है और उसको कौन मूवमेंट के साथ हम कैसे देख सकते हैं कि सिम्टम्स हमारे किस तरफ जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ये सब लोगों को है, और MRI भी ऑलमोस्ट 80% लोगों ने करवाया ही होता है। हमारे पास ये बहुत सारे MRI आते हैं, तो मेरे को था कि मैं आपको बताऊं कि सिर्फ MRI के बेस पे नहीं, आप मूवमेंट के बेस पे करके देखिए कि आपको किस प्रॉब्लम में कौन सी चीज़ में पेन आता है और कौन सी चीज़ में रिलीफ होता है, तो आपको ये पता लग गया। और मैं एक और बात कहूँगा, जो हमसे फ़ोन पे कंसल्ट भी कर रहे हैं ना, तो ये वाला वीडियो ज़रूर देखें और हमें ये पहले ही बता दें कि मुझे फॉरवर्ड फ्लेक्शन में पेन आ रहा है या एक्सटेंशन में पेन आ रहा है। तो अगर आपको एक्सटेंशन में पेन आ रहा है तो हो सकता है आपको ये चीज़ें हों और आपके MRI में डेफिनेटली ये प्रेजेंट भी होंगी। तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। 70th एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है, ये आपको अब सिखाएगा कि मुझे मूवमेंट में कैसे पता करना है कि कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा, और वीडियो जो है उसको शेयर जरूर कर दीजिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।